Hope you all are good. Welcome to English class. My name is Devki and today we shall learn a very important topic of English grammar. So today's topic is preposition. So what are prepositions? Prepositions क्या होते हैं और हम उनका use कहाँ पर करते हैं? But before starting with our main topic, let's look at some sentences that I have written over here. सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो four sentences लिखे हुए हैं हम उनको read करेंगे. So the four sentences, the book is on the table. Now if you look at this sentence, the sentence has two nouns over here. इस sentence में दो noun हैं, एक है book और एक है table. और ये एक दूसरे से related हैं. But इन दोनों को relate कौन कर रहा है? The book is on the table. जो book है वो table के ऊपर है. तो उस book की position कहाँ पर है? Table के ऊपर. तो इन दोनों को relate करने में कौन help कर रहा है? The word is on. ये जो on word है, ये हमें इस book की position बता रहा है इस table पर. तो ये table और book को relate कर रहा है, right? Now look at the second sentence. The boy is behind the hut. The boy is behind the hut. Behind का मतलब होता है किसी चीज के पीछे होना. तो the sentence is saying कि जो लड़का है वो hut के पीछे है. तो अब ये जो boy और hut है ये भी एक दूसरे से related है. एक दूसरे की position के respect में relate कर रहे हैं. तो अब इन दोनों को कौन relate कर रहा है? कौन सा word है जो आपको ये बता रहा है कि जो boy है वो hut के पीछे है? The word is behind. Third sentence. The cat is under the table. तो cat कहाँ पर है? Table के नीचे है. और ये हमें कौन सा word बता रहा है? The word is under. Now the last sentence. He went to Delhi by car. So a boy has gone to Delhi. Delhi गया वो कैसे गया है? Car से गया है. तो इस action ये एक्शन किसके थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है? बाय कार. तो अब कार और इस एक्शन के बीच में कौन रिलेशन बता रहा है? द वर्ड इज बाय. इन दिस सेंटेंस अ एक्शन हैज बीन परफॉर्म. एक एक्शन परफॉर्म किया गया. एक लड़का दिल्ली गया और वो कैसे दिल्ली गया? वो दिल्ली गया कार की हेल्प से. तो कार का और सेंटेंस के अदर पार्ट का रिलेशन बता रहा है द वर्ड बाय. So have you noticed one thing? In each sentence there is a word जो एक noun को किसी दूसरे noun के साथ या किसी दूसरे verb के साथ relate कर रहा है. Now these words जो noun या pronoun को sentence के दूसरे parts के साथ relate कर रहे हैं, हम ऐसे words को क्या बोलते हैं? Prepositions, right? ऐसे ही वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ रिलेट करे, किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट करे, किसी वर्ब के साथ, एडवर्ब के साथ रिलेट करे, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्रपोजिशंस. सो नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. द डेफिनेशन सेज अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन प्रोनाउन to show its relation with other words of the sentence. So the definition says कि एक preposition वो word होता है जो एक noun या pronoun के पहले use होकर उस noun या pronoun का relation sentence के दूसरे words के साथ show करता है. जैसे अभी मैंने आपको इन examples में show किया था कि ये जो words थे, ये words किसी नाउन के पहले यूज किए गए थे और वो एक नाउन के पहले यूज होकर उसका रिलेशन डिपिक्ट कर रहे थे, शो कर रहे थे सेंटेंस के बाकी के पार्ट से. तो ऐसे ही वर्ड्स को हम प्रपोजिशंस कहते हैं, लाइक इन, एट, ओवर, अंडर, बिलो, अबव, इनटू, एटसेट्रा. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ उनकी पोजीशन बताकर या वो एक्शन किसके थ्रू परफॉर्म किया गया है ये बताकर, उनके मैनर के बारे में बात करके या उनके टाइम के बारे में या प्लेस के बारे में बात कर उन दोनों को रिलेट करते हैं. तो
ऐसे वर्ड्स को हम प्रपोजिशन कहते हैं। नाउ लेट्स डू अ शॉर्ट एक्सरसाइज जिसकी हेल्प से आप प्रपोजिशंस को और अच्छे से समझ पाओगे। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द बॉय इज इन द क्लास। तो बॉय कहां पर है? क्लास में है। और इन दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है? द वर्ड इज इन, राइट? सो इट्स अ प्रपोजिशन। सेकेंड वन, दे आर गोइंग बाय कार। तो वो जा रहे हैं, बट वो किस चीज को यूज करके जा रहे हैं? दे आर गोइंग बाय कार। सो द वर्ड बाय इज एन इज अ प्रपोजिशन। थर्ड सेंटेंस, द प्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग। जो प्लेन है वो बिल्डिंग के ऊपर होकर उड़ा। अब प्लेन में और बिल्डिंग की पोजिशन के बारे में कौन रिलेशनशिप शो कर रहा है? द वर्ड इज ओवर। सो इट्स अ प्रपोजिशन। फोर्थ वन, ही इज गोइंग टू दिल्ली। सो एक्शन हैज बीन डन, और वो एक्शन किस तरफ हो रहा है? दिल्ली की तरफ। तो यहां पे जो वर्ड है टू, ये आपको डायरेक्शन शो करने में हेल्प कर रहा है, ये डायरेक्शन का रिलेशन शो कर रहा है दिल्ली और जो भी एक्शन परफॉर्म किया गया है उसके साथ। सो टू इज अ प्रपोजिशन। फिफ्थ सेंटेंस, द टीम वॉन विद ईज। एक टीम में कोई गेम प्ले किया एंड दे वॉन विद ईज। ईज मींस इजीली, आसानी से जीत गए। तो यहां पे जो उनका विनिंग वाली जो एक्टिविटी है उसके होने का तरीका बताया जा रहा है, और उन दोनों को रिलेट कौन कर रहा है? द रिलेशन इज शोन बाय द वर्ड विथ। तो ये जो भी वर्ड्स हैं जो हमारे नाउन प्रोनाउन का रिलेशनशिप शो कर रहे हैं सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स के साथ, ये सारे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? प्रपोजिशंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल लुक एट द सम कॉमन प्रपोजिशंस जो एंड सम कॉमन रिलेशनशिप्स दैट आर शोन बाय द प्रपोजिशंस। नाउ वी विल लुक एट सम ऑफ द कॉमन रिलेशनशिप्स शोन बाय अ प्रपोजिशन। अब हम कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक प्रपोजिशन हमें शो करने में हेल्प करता है। सो द फर्स्ट वन दैट आई हैव रिटन इज प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी? प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि अगर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, अगर कोई एक्शन किया गया है तो वो किसकी हेल्प से किया गया है। प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी हमें डूअर और डूइंग में रिलेशनशिप बताने में हेल्प करते हैं। द वर्ड्स बाय एंड विद आर कॉमनली यूज एज प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी। जो हमारे वर्ड हैं बाय एंड विद, ये कॉमनली यूज प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी है। इनकी हेल्प से हम ये बताते हैं कि अगर कोई एक्शन हुआ है तो वो किसकी हेल्प से हुआ था या किसने किया था। So the first example I have written is the food is cooked by my mother. खाना मेरी मदर के द्वारा बनाया गया है। In this sentence, the food is cooked by my mother. So in this sentence with the word by, मैं by की help से ये बता रही हूँ कि जो cooking का action था वो मेरी mother ने perform किया। Now the second sentence, this poem is written by Shakespeare. तो ये poem किसने write की है? Shakespeare ने write की है। तो मैं यहाँ पर by की help से ये बता रही हूँ कि ये जो action है वो Shakespeare ने perform किया। Now the third example, I play with football. मैं football के साथ खेलती हूँ। In this sentence, with the help of the word with, मैंने with की help से ये बताया है कि जो प्ले का एक्शन है वो फुटबॉल की हेल्प से किया जाता है। नाउ द वन थिंग दैट यू शुड नो इज दैट कि हम बाय का यूज तब करते हैं जब कोई एक्शन किसी पर्सन ने परफॉर्म किया हो, जैसे यहाँ पे था माय मदर, शेक्सपियर, और वी कैन से हैरी पॉटर बुक वाज रिटन बाय जेके रोलिंग। तो वो बुक जेके रोलिंग ने राइट की थी, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम बाय का यूज करेंगे। बट When something is done with the help of an object or machine, अगर किसी चीज की use से या किसी मशीन के use से जब हम कोई action perform करते हैं तो हम उसके साथ with का use करते हैं। Like I play with football, और I cut the cake with the knife, knife के साथ cake cut किया, और I chop the onion with the knife।
तो वहां पे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कुछ हम कर रहे हैं तो हम उनको कनेक्ट करने के लिए विद का यूज करेंगे. नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड प्रपोजिशन इज प्रपोजिशन ऑफ मैनर. जो यहाँ पे सेकेंड टाइप का प्रपोजिशन मैंने राइट किया है वो है प्रपोजिशन ऑफ मैनर. नाउ व्हाट आर प्रपोजिशंस ऑफ मैनर? प्रपोजिशन ऑफ मैनर हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि अगर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है तो उसको करने का तरीका क्या था, उसको करने का मैनर या उसको करने का मेथड क्या था, किस तरीके से परफॉर्म किया गया था. नाउ इन प्रपोजिशन ऑफ मैनर ऑल्सो वी यूज द वर्ड बाय एंड विद. हम प्रपोजिशन ऑफ मैनर में भी बाय और विद का यूज करते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. She went to Delhi by train. वो दिल्ली ट्रेन से गई. How did she go to Delhi? वो दिल्ली कैसे गई? She went by train. तो वहां उसके दिल्ली जाने का जो मेथड था वो था ट्रेन. तो इसको हमने कनेक्ट करने के लिए, इस रिलेशनशिप को शो करने के लिए हमने यहां पर बाय का हेल्प ली है. सेकेंड एग्जाम्पल, वी कैन विन द मैच विद करेज. हम इस मैच को हिम्मत के साथ जीत सकते हैं. नाउ ओवर हियर आई एम लिंकिंग द वर्ड करेज विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ विद. मींस अगर हमें मैच जीतना है तो उसको जीतने का जो मेथड होगा, जो तरीका होगा वो है करेज. मींस हमें हिम्मत के साथ काम लेना होगा. नाउ द थर्ड एग्जांपल, आई रिएक्टेड विद पेशेंस टू हिज मिस्टेक. उसकी गलती पर मैंने बहुत ही शांति से काम लिया. जब उसने कुछ मिस्टेक की तो मेरा जो रिस्पांस करने का तरीका था, मेरा जो रिस्पांस देने का जो मेथड था वो था विद पेशेंस, मींस शांति के साथ. तो यहां पे मैंने विद की हेल्प से इस चीज को लिंक किया है, इस चीज को शो किया है. सो जब हम किसी चीज का मेथड, किसी चीज को करने का तरीका शो करते हैं तो हम उसमें भी बाय और विद की हेल्प. नेक्स्ट वी हैव प्रपोजिशन ऑफ टाइम. नाउ प्रपोजिशन ऑफ टाइम आर दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रेफर टू अ स्पेसिफिक टाइम और अ पीरियड ऑफ टाइम. मींस प्रपोजिशन ऑफ टाइम में हम उन वर्ड्स का यूज करते हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर एक टाइम पीरियड को हमें रेफर करने में हेल्प करते हैं, एक टाइम के बारे में बताने में हमें हेल्प करते हैं. नाउ वर्ड्स लाइक सिंस, आफ्टर, विद इन, इन, ऑन, एट, एटसेट्रा आर यूज्ड एज प्रपोजिशन ऑफ टाइम. लेट्स लुक एट द एग्जांपल. द फर्स्ट वन इज आई विल मीट यू एट 9 AM. मैं तुमसे 9 बजे मिलूंगी. नाउ इन दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड एट, मैं एट की हेल्प से ये बता पा रही हूं कि मेरे मिलने का टाइम क्या होगा. सेकेंड एग्जाम्पल, माई बर्थडे कम्स इन मार्च. मेरा बर्थडे मार्च में आता है. नाउ विद द हेल्प ऑफ द वर्ड इन, अब मैं इन की हेल्प से अपने बर्थडे के टाइम को रेफर कर पा रही हूँ. मीन्स मेरा बर्थडे कब आता है उस एक टाइम पीरियड के बारे में बता पा रही हूँ. देन द थर्ड एग्जाम्पल, माई बर्थडे इज ऑन 17 मार्च. मेरा बर्थडे 17 मार्च को है. अगेन इन दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड ऑन, ऑन की हेल्प से मैं ये बता पा रही हूँ कि मेरा बर्थडे कब है, मेरे बर्थडे की डेट को रेफर कर पा रही हूँ. यस, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज दैट कि हम एट का यूज तब करते हैं जब कभी हम एक फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं. जब हम कभी एक फिक्स टाइम को रेफर करते हैं तो हम एट का यूज करते हैं. जैसे अगर आप बोलो दैट आई कम टू स्कूल एट 8 AM, मैं 8 बजे स्कूल आ जाऊंगा, तो आप एक फिक्स टाइम बता रहे हो, तो आप क्या यूज करेंगे? एट. इन का यूज आप तब करते हैं जब आप मंथ, ईयर, सेंचुरीज या फिर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन की बात करते हैं. ऑन का यूज आप तब करते हैं जब आप किसी डे या डेट को रेफर करते हैं. जैसे अगर आप बोले दैट आई मीट यू ऑन मंडे, मैं तुम्हें मंडे को मिलूंगा, तो आप एक डे को रेफर कर रहे हो तो फिर आप ऑन का यूज करोगे. डेट के साथ भी हम ऑन का यूज करते हैं. ओके, देन द फोर्थ वन इज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. नाउ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस आर दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रेफर टू अ प्लेस.
प्रपोजिशन ऑफ प्लेस वो वर्ड्स होते हैं जो एक प्लेस को रेफर करने में हमारी हेल्प करते हैं, वेयर समथिंग और समवन इज लोकेटेड, मींस जहां पर कोई चीज हो और उसकी हम प्लेस के बारे में बताना चाहते हो उसके लिए हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज करते हैं। वर्ड्स लाइक नियर, अक्रॉस, बिहाइंड, बिसाइड, इन, एट, ऑन एटसेट्रा आर यूज एज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमने प्रपोजिशन ऑफ टाइम में भी इन, ऑन, एट का यूज किया था एंड इन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस ऑल्सो वी आर यूजिंग देम। यस, वी कैन यूज दीज थ्री वर्ड्स एज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस ऑल्सो। हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी इनका यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज वी विल मीट एट बस स्टॉप। हम बस स्टॉप पर मिलेंगे। ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ द वर्ड एट, एट की हेल्प से मैं अपने मिलने के लोकेशन के बारे में बता पा रही हूं। नाउ बिकॉज यहाँ पे मेरी जो लोकेशन है वो एक फिक्स्ड प्लेस है। यस, बिकॉज यहाँ पे जो मेरी लोकेशन है बस स्टॉप वो एक फिक्स्ड प्लेस है, तो मैंने इसके साथ एट का यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल। उस पिक्चर की तरफ देखो जो वॉल के ऊपर है, मीन्स दीवार के ऊपर है। तो मैं उस पिक्चर की लोकेशन, उस पिक्चर की जो प्लेस है उसको किसकी हेल्प से रेफर कर रही हूँ, मैं उसको रेफर कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द वर्ड ऑन, ऑन की हेल्प से। तो अगर हम कभी ऐसी चीज को रेफर करते हैं जो किसी सरफेस के ऊपर हो तो हम उसके साथ प्रपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, राइट। लाइक इफ यू से दैट माय नोटबुक्स आर ऑन द टेबल, तो वो टेबल के सरफेस के ऊपर है, तो आपने क्या यूज किया, ऑन वर्ड यूज किया। थर्ड एग्जाम्पल, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। वो पेड़ के पीछे खड़ा हुआ है। तो ओवर हियर बिहाइंड की हेल्प से मैं एक बॉय की लोकेशन को रेफर कर पा रही हूँ कि वो कहां पर है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ऐसे ही वर्ड होता है आपका बिसाइड। यस, वी वर स्टैंडिंग बिसाइड द लेक। हम लेक के साइड में खड़े हुए थे। सो ऑल दीज वर्ड्स आर यूज टू रेफर टू अ प्लेस एंड वी कॉल देम एज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। नाउ द फिफ्थ वन इज प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट आर दोज वर्ड्स That I use to tell about the movement of something. वो words होते हैं जो हमें किसी भी चीज के movement को बताने में help करते हैं। Means अगर कोई चीज move कर रही है तो वो किस direction में है, किस तरफ जा रही है, ये बताने में हमें help करते हैं। Words like up, across, into, to, towards, etc. are used as proposition of movement. Let's look at the example. The first one is the cat jumped over the wall. Cat ने दीवार के ऊपर से jump किया। Now उसका movement बताने में हमें कौन सा word help कर रहा है? Over. So over is my proposition of movement because जो cat का movement है वो wall के ऊपर होकर हो रहा है। तो ये जो word है over वो मुझे उसका movement बताने में help कर रहा है। Then the second example is I'm going to Delhi. मैं Delhi जा रही हूँ। Now I'm moving towards something. मैं किसी एक location पर जा रही हूँ, तो वो मुझे बताने में, उसको refer करने में कौन सा word help कर रहा है? तो word is to. जब भी हम कभी किसी एक fixed position की तरफ move कर रहे होते हैं तो वो बताने के लिए हम to word का use करते हैं। Third example, we walked across the park. Means हम park को cross करके हमने walk की। तो अब हमारा जो मूवमेंट था वो बताने में हमें कौन हेल्प कर रहा है? तो वर्ड इज अक्रॉस, कि हम पार्क में होकर गए। यस, तो जो अक्रॉस वर्ड है वो मेरे मूवमेंट को बताने में मेरी हेल्प कर रहा है। सो ऑल दीज वर्ड्स आर प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रपोजिशन एंड द सम कॉमन रिलेशनशिप्स दैट आर शोन बाय द प्रपोजिशन। सो लेट्स रिवाइज वंस व्हाट वी हैव लर्नड। We learned about preposition and we learned that preposition are the words that are used to show relationship between a noun and the pronoun with other objects or the other part of the sentence. Prepositions वो words होते हैं जो हमें noun या pronoun का relationship बताने में help करते हैं with other part of the sentence or the other things.
और वो रिलेशनशिप्स क्या क्या शो करते हैं, दे कैन शो कि कोई चीज कैसे हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, उसके होने का टाइम क्या है, एटसेट्रा. देन वी लर्न अबाउट सम कॉमन रिलेशनशिप शोन बाय अ प्रपोजिशन. फिर हमने कुछ कॉमन रिलेशनशिप्स दैट आर शोन बाय अ प्रपोजिशन, उनके बारे में लर्न किया. जैसे फर्स्ट वन वॉज प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी, जो हमें ये बताते हैं कि अगर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है तो वो किस चीज की हेल्प से हुआ है. देन वी लर्न अबाउट प्रपोजिशन ऑफ मैनर. प्रपोजिशन ऑफ मैनर हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि अगर कोई चीज हो रही है तो उसको उसको करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, वो किस तरीके से हो रही है. यस. देन वी लर्न अबाउट प्रपोजिशन ऑफ टाइम, जिसकी हेल्प से हम ये बताते हैं कि अगर हम एक टाइम फ्रेम को रेफर कर सकते हैं, किसी एक्शन के टाइम के बारे में बता सकते हैं. देन वी लर्न अबाउट प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, मीन्स जिस वो वर्ड जिनकी हेल्प से हम ये बता पाते हैं कि अगर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है या फिर कोई अगर कोई चीज लोकेटेड है तो वो किस जगह पर लोकेटेड है या कहां पर हो रही है. तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हमें उनकी प्लेस को रेफर करने में हेल्प करते हैं. देन वी लर्न अबाउट प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट. प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट वो वर्ड्स होते हैं जो हमें एक मूवमेंट को रेफर करने में हेल्प करते हैं. मीन्स अगर कोई चीज हो रही है या कुछ मूवमेंट हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये बताने में हमें हेल्प करते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी एनी टाइम. यू विल गेट वर्कशीट्स ऑफ दिस टॉपिक ऑन ERP. सो वी विल मीट अगेन. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.